दोस्तों आज आप लोग के बीच 20 प्रश्न लाया हूँ। 20 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको लोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में इनमें से क्या रक्त को थक्का जमाने में सहायक है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। बात हुई है विटामिन के, तो विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन के जो है हम लोग को मिलता है पत्तेदार सब्जियां से, जैसे फूलगोभी, पत्तगोभी से। और विटामिन के जो है शरीर के रक्त को थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। प्रश्न संख्या टू देखेंगे। टू में है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धारा मापी से मापते विद्युत धारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या थ्री देखेंगे। थ्री में है जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात हुई जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद को बनाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने, और इसका निर्माण हुआ था 1644 से 1656 के बीच में, और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद में से एक भी है जामा मस्जिद। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। प्रश्न संख्या फोर देखेंगे। फोर में है रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और जिनेवा 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या फाइव देखेंगे। फाइव में भारत में कौन सा रेलवे स्थान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। बात हुई गोरखपुर, तो गोरखपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में, और इस प्लेटफॉर्म का लंबाई है 1366 मीटर, और ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और दूसरा नंबर पे आता है खड़गपुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसका लंबाई है 1072 मीटर। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। प्रश्न संख्या सिक्स देखेंगे। सिक्स में है शिक्षा निम्न सूची में किसका एक हिस्सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समवर्ती सूची। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सात देखेंगे। सात में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और इसका कार्यकाल होता है 6 साल के लिए या 65 वर्ष के उम्र से पहले, दोनों में से कोई एक। प्रश्न संख्या आठ देखेंगे। आठ में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने दिए थे करो या मरो का। प्रश्न संख्या नाइन देखेंगे। नाइन में निम्नलिखित में से किस रूप में वेब पेज को सुरक्षित किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTML, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 में है इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल टर्नल है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीर पंजाल। बात हुई है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल के बारे में जान लेते हैं। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इस टर्नल का लंबाई है 11.2 किलोमीटर, और ये पीर पंजाल जो है हिमालय के बीच में स्थित है। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12 में है एक रुपया का नोट भारत में सबसे पहले वर्ष खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। बात हुई है एक रुपया, तो एक रुपये के बारे में जान लेते हैं। एक रुपये का नोट 30 नवंबर 2017 को भारत के एक रुपया का नोट 100 साल मना चुका है, और सबसे पहले एक रुपये का नोट इंग्लैंड में छापा गया था, और बाद में भारत में 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। तो इस प्रश्न से इतना जानते रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 में सांची स्तूप का निर्माण निम्नलिखित राजाओं में से किसने कराया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने करवाए थे, और सांची स्तूप जो है इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 में है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में।
नेक्स्ट देख लेते 15 देखेंगे। 15 में निम्नलिखित में से तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के पलानी स्वामी जो है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 में है मैक मुहर रेखा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के मध्य एक सीमा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच में है जो मैक मुहर रेखा है और इसका हस्ताक्षर किया गया था 1914 में और भारत और चीन के बीच में मैक मुहर रेखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 में राष्ट्रीय युवा दिवस को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 18 में भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 में जहाजों का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्किमिडीज का सिद्धांत जहाजों का निर्माण के आवागमन पर आधारित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 और लास्ट देखेंगे। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।